I like some Barbie. Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel with my new vlog. Start करते हैं आज का vlog. उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे. आज हमारी यूनिवर्सिटी में था नेजाबाजी यानी टेंट पैगिंग, तो मैंने सारी वीडियो शूट की है उससे रिलेटेड. उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी. आ गए हम लोग, हमारी एक फर्स्ट क्लास हुई, देन हमारी ये टेंट पैकिंग की वजह से क्लासेस कैंसिल हो, तो हम आ गए ग्राउंड में और फिर वहाँ पे ही रहे सारा दिन. ये चीज़ें हम सब लोगों के लिए बहुत नई थी क्योंकि किसी ने भी नहीं देखी थी. पहले तो हमें यही समझ नहीं आ रहा था कि गेम है क्या और खेलनी कैसे है. देन आहिस्ता आहिस्ता एक एक गेम होती रही, एक एक बंदे ने परफॉर्म किया तो समझ आई कि ये गेम ऐसे होती है. हमें बहुत मज़ा आया. काफ़ी टाइम बाद इस तरह का कोई ओकेजन हुआ था जिसकी वजह से माइंड थोड़ा रिलैक्स हो गया और नई चीज़ देखने को भी मिली. आप लोगों के लिए भी ये नई चीज़ होगी. हर बैचेस ने अलग अलग अपने परफॉर्मेंस दी. हर बैच में ज़्यादा लोग थे, बारी बारी सब ने परफॉर्मेंस दी. आप लोगों के भी इस गेम की समझ नहीं आ रही होगी तो मैं बता दूं, ये घोड़ा दूर से भाग के आता है और ये जो नेज़ा मतलब ये जो इनके पास लकड़ी है, उन्होंने उस लकड़ी से ना वहाँ पे एक स्टिक सी लगाई होती है, वो उठानी होती है. भागते भागते घोड़े से भागते भागते वो उठानी होती है. जिन्होंने उठा ली उनको 4 पॉइंट्स मिलते थे और जिन्होंने नहीं उठाई तो उनके 0 पॉइंट्स होते थे. इस तरह कुछ गेम थी. अब बैचेस के हिसाब से आ रहे थे, बारी बारी भी आ सकते थे, दो इकट्ठे भी आ रहे थे. इन्होंने अपनी अपनी मर्जी से प्लान किया हुआ था तो आ रहे थे. इस तरह जिन्होंने उठा लिया उन्हें 4 पॉइंट्स मिले और जिन्होंने नहीं उठाए वो 0 पॉइंट्स पे हुए. देन उसके बाद सिंगल सिंगल के जो विनर्स थे वो अनाउंस हुए. अनाउंसमेंट के बाद इन्होंने खूब हल्ला गुल्ला लगाया, अपनी जश्न मनाया जीतने का. ये सारे जीते थे, ये रेड वाले रेड बैच जीता था. अब इनके नाम वगैरह हमें याद नहीं रहते क्योंकि नाम बहुत बड़े बड़े थे घोड़ों के भी और बैचेस के भी, तो वो हमारे याद में नहीं थे. फिर इन्होंने खूब हल्ला गुल्ला लगाया और ट्रेडिशनल डांस किया. देन वापस चले गए क्योंकि यहाँ पे 4-4 का एक साथ अब गेम होना था. वो हमने अटेंड क्यों नहीं किया क्योंकि हमारी क्लासेस थी 1:30 की, तो हम वहाँ पे क्लासेस लेने चले गए, तो इसलिए हमने 4-4 वाला अटेंड नहीं किया. उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा. हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.